Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. Ketki, ओ Ketki, बाहर निकल दृष्टा, कहाँ छुपी हो? सामने तो आओ, आज तुम्हारे सामने मैं खड़ी हूँ अपना दंड लेकर. कहाँ छुपी हो? अरे ओ Ketkibai, आज तुम्हारा सारा कपट बाहर निकालती हूँ. आ जाओ. कैसा कोलाहल है यहाँ? कौन है यहाँ? तुम तो पुंडलिक की पत्नी की बुआ हो ना? तुम क्या कर रही हो यहाँ? वाजी वाह, ये पूछ रही है मैं क्यों हूँ यहाँ और क्यों आऊंगी मैं यहाँ. जो हमारा है वो चाहिए मुझे. शांति पूर्वक लौटा दे तो तुमने छीना है, अन्यथा. अन्यथा क्या क्या कर लोगी तुम? जाओ यहाँ से. केतकी तुम्हारी कीदड़ भक्तियों से नहीं डरने वाली. बुआ का संकेत मिल गया है, अब मुझे भीतर जाना चाहिए. चलो. हाँ चलिए. ध्यान से थोड़ा बल लगा के उठाओ. बड़ी शक्ति है तुम में, तो उसका प्रयोग करके आज देख ही लो. शब्दों से ही वार करती हो या हाथ चलाना भी आता है तुम्हें? हाथ तो तुम चलाने आई हो. अपनी जीवा को विश्राम दो और उठाओ अपना दंड. एक बार ये दंड चल गया ना तो तुम्हारी जीवा तो अपने आप शांत हो जाएगी. किसका स्वर है? घर में कोई गुस्सा आया. क्या हुआ? मुझसे डर गई ना, इसलिए भीतर भाग रही हो. मां मैं देखती हूं, आप इन्हें संभालिए. Ketkibai के कक्ष में तो पहुंच गया, अब अपना कार्य करके शीघ्र ही निकलना होगा मुझे. पुंडलिक नहीं है. रुको पुंडलिक, रुको. कितना भी नकार लो पुत्र, किंतु अपनी पहचान कैसे छिपा सकते हो तुम? तुम्हारी वास्तविकता तो पहले ही सबके सामने आ गई थी. अब तो तुम्हारा पाप तुम्हारी काया में भी दिखाई दे रहा है.
मुझे लगा आपको मेरी चिंता है, इसलिए आप मेरे पीछे आए, किंतु आप तो मेरे खाओ को रेत आए। नहीं पुत्र, मैं तो तुम्हारे लिए चिंतित हूं। तुमने जो अपनी ये दुर्दशा बना ली है, तुम्हारे कारण तुम्हारे पिता के नाम और प्रतिष्ठा को जो ठेस पहुंची है तुम्हारे कर्मों से, उसको लेकर मैं चिंतित हूं। अपना जीवन तो नष्ट कर लिया तुमने, किंतु अब यदि तुम्हें अपने माता पिता की थोड़ी भी चिंता है तो उनका मान रख लो। अर्थात सुधर जाओ, उचित मार्ग पर आओ, यही ना, यही शायद है ना। सुधरने और संभलने की अब संभावना कहां रही है? अब तो बस एक ही कार्य कर सकते हो तुम, इस नगर से कहीं दूर चले जाओ जहां तुम्हें कोई न पहचानता हो। वाह, शत्रुओं ने तो छल कर मुझे आघात किया, मेरा सुख, मेरा घर, मेरा धन सब कुछ छीन लिया, किंतु अब तो संबंधी भी शत्रु बन गए। अब ये नगर ही तो शेष था, क्या मेरा बचपन बीता है? बचपन इस नगर से परिचित हुआ और ये नगर मुझसे, इसे भी दूर करना चाहते हैं काका मुझे? हाँ बोलिए ना। इस नगर से पुंडलिक को कौन निकालता है, मैं भी देखता हूँ। अभी तुम इस नगर में भी रहूंगा और अपने घर भी जाऊंगा, देखता हूँ कौन रोकता है इस पुंडलिक को। अब हटिए मेरे मार्ग से, चलिए। पुंडलिक, मुझे साधारण स्त्री मत समझना, यहाँ जो भी है उसे अस्त्र बना के तुम्हें ऐसा आघात दूंगी कि उठ भी नहीं पाओगी। यहां तो कोई भी नहीं। ओह, ये संदूक तो यहां छिपा हुआ है, इसमें देखता हूं। मिल गए जो ढूंढने आया था, पुंडलिक के घर के कागज मिल गए। अब संभावना कहां रही है? अब तो बस एक ही कार्य कर सकते हो, इस नगर से कहीं दूर चले जाओ। मेरे घर के द्वार पे ताला, इस ताले को तोड़ दूंगा मैं, तोड़ दूंगा मैं इस ताले को, तोड़ूंगा, तोड़ूंगा इसे, अपने अपने घर में प्रवेश करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, करूंगा। दया कर, अब हो जाओ यहां से छू मत कर।
मेरा घर है, इस घर का स्वामी मैं हूं, इससे मुझे कोई नहीं निकाल सकता, कोई नहीं, मुझसे मेरा ये अधिकार कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। रह रहकर पुत्र पुंडलिक की चिंता हो रही है मुझे, वो कुशल तो है ना, है प्रभु, उसकी रक्षा कीजिए, उसकी रक्षा कीजिए प्रभु। उसे यहाँ भिड़ने नहीं आई, तुम मुझे यहाँ पर रोक के रखना चाहती हो, किंतु क्यों, क्या चाहती हो तुम? वो जो भी हो, अब मैं रुकूंगी नहीं, नहीं। तो पाओगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं? आप स्वयं क्यों गिर गए? अरे संभाल नहीं सकते तो कहाँ क्यों था? आपने कब कहा था कि आपको संभालना है? मुझे लगा ये कागज पकड़ना है। पुष्प मिल चुके हैं, हमें चलना चाहिए। इसी संकेत की तो प्रतीक्षा थी मुझे। मुस्कुराओ मत, अब तुम्हारे रोने का समय आ गया है। देख क्या रहे हो? पकड़ो इसे और फेंको यहां से बाहर। रुको, तुम क्यों कष्ट करोगे? मैं स्वयं चली जाती हूँ। हट जाओ, हट जाओ। यदि इसे स्वयं लौटना था तो ये आई क्यों थी यहाँ? ये स्वांग रचा क्यों इसने? क्या चाहती है ये? अभी तो मैं जा रही हूँ, तुम भी विश्राम कर लो, क्योंकि कल जब पंचों के सामने प्रस्तुत होगी तो नींद उड़ जाएगी तुम्हारी। ऐसा क्यों कह गई? अरे कौन है ये? कौन है ये? क्या हुआ इसे? ऐसे क्यों लेटा है यहाँ पर? क्या हो गया इसको? देखो भाई, कोई मार्ग भटक जाए तो इतना बुरा परिणाम होता है। इसको इस अवस्था में देखकर तो मुझे इस पर बहुत दया आ रही है। हाँ भाई, जानू देव जी तीर्थ यात्रा पर क्या गए तो इसने अपनी क्या अवस्था बना ली, पूरा घर बार ही लुटा दिया। अब तो ये अपना मुख दिखाने के योग्य भी नहीं रहा किसी को।
जब इसके माता पिता तीर्थ यात्रा से लौटेंगे और इसे इस अवस्था में देखेंगे तो ये क्या उत्तर देगा उनको? हाँ हाँ, ये क्या उत्तर देगा? उचित कहा, मैं स्वयं को उत्तर नहीं दे सकता, तो किसी अन्य को क्या दूंगा? सुधरने और संभलने की अब संभावना कहाँ रही है? अब तो बस एक ही कार्य कर सकते हो तुम, इस नगर से कहीं दूर चले जाओ जहां तुम्हें कोई न पहचानता हो। क्या अवस्था बना ली है इसने अपनी, क्या उत्तर देगा ये? इसने अपने माता पिता का नाम बिल्कुल मिला दिया है, पूरा घरवाल ही बर्बाद कर दिया है इसने, पूरे घर का सामान उठा दिया। क्या उत्तर देगा? इसकी हालत को देखिए, कैसी हालत बना रहा है। क्या उत्तर देगा ये? पूरा धन, कैसी अवस्था बना ली है इसने, क्या कहेंगे लोग? उठा दिया इसने अपने माता पिता को, क्या अवस्था कर ली है? बस बस बस। चले जाओ यहां से। माता पिता भाई बंधु सब जाओ, मेरी तेरी कोई सहायता नहीं करेगा और मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता भी नहीं है। जाओ सब जाओ, छोड़ दो मुझे मेरी इस अवस्था पे। तुम लोग जाओ, तुम नहीं जाते, मैं चला जाता हूं यहां से, ये नगर छोड़ के चला जाता हूं। यही उचित होगा। पुंडलिक को अब कुछ भी नहीं सूझ रहा था, आत्मदया में खोया था वो, विकारों से घिरा और प्रभावित था। उसकी प्रेरणा बस उसका क्रोध था या उसकी निराशा थी। सत्यवती, लगता है पूर्ण रात्रि पल भर के लिए भी सोई नहीं आप। हाँ स्वामी, विश्वास नहीं होता, हमारा जीवन कहां से कहां आ गया और पता नहीं भविष्य में और क्या क्या देखना है हमें। नियति ने जो निर्धारित किया है उसे तो स्वीकार करना ही होगा देवी, किंतु क्या ये कम है कि गोपाला आज भी हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं? वो सब भला करेंगे। बहुत बहुत प्यास लगी, जल चाहिए, जल चाहिए। चल है या चल चल चल। ये तो कीचड़ से भरा है, चल भी नहीं है। मुझे बहुत प्यास लगी, मुझे जल चाहिए, जल जल। यहां वृक्षों के पास जल के पात्र, यहां देखता हूं, जल जल। प्रभु गोपाला, न यहाँ अन्न है न रसोई, इसलिए आपके लिए कुछ पका ना सकी, किंतु ये जल और ये फल आपके भोग के लिए, इसे स्वीकार कर लीजिए प्रभु। पता नहीं प्रभु, पुत्र पुंडलिक को कुछ भोजन मिला होगा या नहीं। जल कैसा भाग्य है मेरा, किसी भी पात्र में जल नहीं, तो फिर ये किस काम के?
व्यर्थ ही चिंता कर रही हो। उसकी जीवन संगिनी उसके पास है और गोपाला भी तो है उसके साथ। उनकी दृष्टि है उस पर, परम पिता है वो, हम तो मात्र जन्मदाता हैं पुंडलिक के। जब हमें अपने पुत्र की इतनी चिंता हो रही है तो सोचिए, वो तो जन्म जन्मांतर से हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। वो हमारे पुत्र को लेकर कितने चिंतित होंगे। वो हमारे पुत्र पुंडलिक को भूखा प्यासा नहीं रहने देंगे। भले बिसरा दे किंतु प्रभु आप कभी नहीं भूलते अपने भक्तों को। अद्भुत है आप और आपकी लीला। चल संतान कितनी भी पद भ्रष्ट हो जाए किंतु माता पिता यही आशा करते हैं कि उनकी संतान कभी ना कभी सुमार्ग पर आ जाए। जब वो नहीं भूल सकते तो हम कैसे भूल सकते हैं। सारे जगत के जीव, सारे मनुष्य मेरी ही तो संतान। पंचो कपट किया है इन दोनों ने, घर लूट लिया है हमारे जमाई का। पुंडलिक निर्धन बेसहारा होकर दर भर दर की ठोकरें खा रहा है। अपना मानसिक संतुलन भी खो चुका है इन दोनों के कारण। इन्होंने ही पुंडलिक को व्यसनों के आदि बनाया ताकि ये अपने कुटिल षड्यंत्र में सफल हो सके। हाँ ये तो सत्य है, पुंडलिक को भूखा प्यासा भटकते तो मैंने भी देखा है। पता नहीं इन दोनों ने क्या किया है उसके साथ मिलकर, उसका तो मानसिक संतुलन ही खो गया है। अब इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, अब मानसिक संतुलन तो वो हमारे निकट आने से पहले ही खो चुका था। पूरे नगर की लड़कियां जानती हैं कि पुंडलिक की प्रवृत्ति कैसी है, उसके संगी साथी कैसे हैं ये भी सब जानते हैं। हमने नहीं बुलाया था उसे अपने पास, वो स्वयं चल कर आया था। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमारा कोई दोष नहीं है। तुम्हारा कोई दोष नहीं सरपंच जी, मदिरा के प्रभाव में डालकर कुंडलिक की सारी संपत्ति अपने नाम लिखवा ली इन दोनों ने। मुझे और कुंडलिक की पत्नी को घर से धक्के मार कर बाहर निकाला इन दोनों ने। फिर भी कहती है इनका कोई दोष नहीं। बहुत गलत किया है। हमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। बिना प्रमाण के आरोप दोष नहीं बन जाते, और अब इनके आरोपों को सत्य कैसे मान सकते हैं? क्या प्रमाण दिया है? प्रमाण ये कागज है, ये कागज है, ये कागज है। ये कागज तो मेरे पास थे, तुम्हारे पास कैसे आए? इन्हीं के लिए तो आई थी मैं तुम्हारे पास, और कहा था ना अब तुम्हारा समय समाप्त। किंतु सारे समय तो तुम मेरे पास थी, ये कागज तुम्हारे पास कैसे आए?
कागज बुआ ने नहीं, मैंने निकाले थे तुम्हारे घर से केतकी भाई। प्यास बुझे, मस्तिष्क को ठंडक पहुंचे। ये किसका प्रतिबिंब है? अति सुंदर है इसका रूपमती, मालती, चंद्रकला, कोई कुछ नहीं इसकी तुलना में। पुंडलिक ने अपना घर हमारे नाम खुद किया है, उसके कागज अवश्य हैं ये, किंतु आप हस्ताक्षर भी तो देखिए, उसने स्वेच्छा से ये हस्ताक्षर किए हैं, स्वयं अपना घर हमारे नाम किया है उसने। ये कागज तो आपको हमें वापस दिलवाने चाहिए, और इसे प्राप्त करने में कोई छल या अपराध हमने किया है इसका कोई प्रमाण नहीं। मैं हूं इसका प्रमाण। तुम्हारी मति तो नहीं मारी गई है दयाकर? अगर हम अपराधी प्रमाणित हुए तो इस दंड के भागी तुम भी होगे। सरपंच जी, आपको जो दंड देना है मुझे स्वीकार है, किंतु यह सत्य है, इन दोनों ने मिलकर छल किया है। केतकी बाई ने मुझसे एक धनी युवक को अपने पास बुलाने को कहा, उसे व्यसन लगाया, उसका धन पाया, फिर मुझसे ही कागज बनवाने के बाद, मदिरा के प्रभाव में आने के बाद पुंडलिक से हस्ताक्षर करवाए। दोषी तो मैं भी हूं, मैं अपने किए के लिए क्षमा मांगता हूं, पर लालच मुझ पर हावी हो गया था, किंतु जानुदेव जैसे धर्म परायण महापुरुष के साथ, उनके परिवार के साथ गलत होता देख मुझे अपनी भूल का आभास हो गया, इसीलिए आप जो भी दंड देंगे मैं स्वीकार करूंगा, किंतु इन्हें क्षमा मत कीजिएगा, अन्यथा ये दोनों किसी अन्य परिवार का नाश कर देंगे। अब तुम्हें तुम्हारे किए का दंड मिलेगा। अर्थात वही हुआ जो प्रभु परम श्री कृष्ण ने कहा, सभी को उनके कर्मों का दंड मिलने जा रहा था। हाँ, पुंडलिक को भी। एक नहीं, तीन युवतियां हैं और तीनों के तीनों अद्भुत सौंदर्य की धनी, किंतु ये अनुपम सुंदरी ऐसे तुच्छ कार्य क्यों कर रही है? लगता है इन्हें किसी दोष का दंड मिल रहा है। तुम दोनों दंड के लिए तैयार हो जाओ। दंड? हमें दंड मिलेगा? हाँ, साक्ष और साक्षी दोनों सामने हैं, सत्य उजागर हो चुका है। केतकी और चंद्रकला, हम तुम्हें इस गांव से बहिष्कृत कर रहे हैं। हम तुम्हें इस गांव से बहिष्कृत कर रहे हैं। और यदि फिर इस गांव में तुम दिखाई दी तो सबसे कड़ा दंड तुम्हें दिया जाएगा। और रही बात पुंडलिक की, तो उसकी संपत्ति और उसका धन हम पंचों के देखरेख में रहेगा, जब तक श्रीमान जानुदेव तीर्थ यात्रा से लौट नहीं आते। और तुम दयाकर,
तुम भी तो दोषी हो, किंतु तुम साक्षी बने, सच को सामने लाए, इसलिए तुम न्याय के सहायक बने हो। इस बार तुम्हें चेतावनी देकर छोड़ देते हैं, किंतु तुमने फिर भी ऐसा किया तो तुम भी दंड के भागी बनोगे। मैं आपका बहुत आभारी हूं सरपंच जी, मुझ पर बड़ी दया की है आपने। ये पहला अवसर है कि जीवन में कुछ अच्छा करने के बाद आनंद का अनुभव हो रहा है। ये जो भी हुआ है ये सब प्रभु का चमत्कार है, और मैं अब दिन रात प्रभु के ही नाम में रमा रहूंगा। तुमने उचित कहा दया कर, दूसरों के प्रति अच्छा आचरण हमें भी आनंदित करता है, किंतु मेरा कार्य अभी भी शेष है। मुझे घर के अधिकारी जानुदेव, कुंडली और मालती की प्रतीक्षा करनी है, जिससे मैं उनका घर उन्हें सौंप सकूं। देवी, ऐसा अद्भुत सौंदर्य, अनुपम सुंदरता, ऐसा अनूठा व्यक्तित्व मैंने तो क्या इस धरा पर किसी ने नहीं देखा होगा। ना 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 ना, आप तीनों पर ये शोभा नहीं देती। आप पर तो किसी को अपने प्रेम की वर्षा कर आपको सभी सुविधाएं देनी चाहिए, आपकी पूजा करनी चाहिए। अपनी सीमा में रहो, शोभा तो तुम्हें तुम्हारे ये शब्द नहीं देते। जब ऐसा अनुपम सौंदर्य सामने हो तो कोई अपनी सीमा में कैसे रह सकता है ना सुंदरी। अपराध व्यक्ति के स्वाभिमान का अंत कर देता है, इसलिए व्यक्ति को अपराध करने के विचार से भी दूर रहना चाहिए।